वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस फार्माकोलॉजिकल ऑडियो क्लासिफिकेशन सीरीज में हम बात करने वाले हैं बीटा एडिक ब्लॉकिंग ड्रग के बारे में इसे हमने लिया हुआ केडी त्रिपाठी के एथ एडिशन से और इसका जो पेज नंबर है वह है दिस ऑडियो इज अपलोडेड बाय सॉल्यूशन फार्मेसी बीटा एडर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग को या ब्लॉकर्स को हम दो मुख्य कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं पहला होगा नॉन सेलेक्टिव जिसमें बीटा वन और बीटा टू दोनों आ जाएंगे तो इसे हम ऐसे कहते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा वन, प्लस बीटा, टू, यानि कि बीटा वन को भी अफेक्ट कर सकते हैं और बीटा टू को भी अफेक्ट कर सकते हैं दूसरा मेन क्लासिफिकेशन होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वह है आपका कार्डियो सेलेक्टिव जिसे हम बीटा वन सेलेक्टिव भी बोलते हैं तो दूसरा वाला जरा बहुत अच्छा से याद रखिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं सब क्लास की ओर तो जो नॉन सेलेक्टिव हमारा था बीटा वन प्लस बीटा टू था इसके तीन और सब क्लासिफिकेशन होते हैं विद रेस्पेक्ट टू इंट्रेंसिंग सिंपेथो एक्टिविटी तो यहां पे हम क्लासिफिकेशन का जो पहला सब क्लास है नॉन सेलेक्टिव के अंदर का वह विदाउट आईएसए आईएसए का मतलब है इंट्रेंसिंग सिंपैथोमायोमेटिक एक्टिविटी इसके एग्जाम्पल है आपके प्रोप्रोनोलोल स्पेलिंग बहुत सिंपल सा है प्रोप्रानोलोल प्रो पी आर ओ प्रो, प्रो, प्रो प्रा, पी आर ए नोलोल एन ओ एल ओ एल तो बन गया आपका प्रो प्रा नो लोल दूसरा एग्जाम्पल बीटा ब्लॉकर्स में आपको मोस्ट ऑफ द केसेस जरूर दिखाई देगा वो आपको याद दिलाएगा कि ये बीटा ब्लॉकर क्लास के एग्जाम्पल्स हैं तीसरा एग्जाम्पल है विदाउट आई एस ए के अंदर का वह है आपका टीमोलोल टी आई एम ओ एल ओ एल बन गया आपका दूसरा सब क्लासिफिकेशन अंडर का एग्जाम्पल है यानी कि इसका एक एक पिंडोलोल स्पेलिंग है पिंडो पी आई एन डी ओ और लास्ट में एल ओ एल बन जाएगा आपका पिंडोलोल तीसरा सब क्लास नॉन सेलेक्टिव के अंदर का है विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी ज एग्जाम्पल ऑफ बीटा एडर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग बट जिसके पास अल्फा ब्लॉकिंग की भी एक्टिविटी है वही नॉन सेलेक्टिव के अंदर एक और सब क्लास के रूप में रखा गया है और इसके एग्जाम्पल है लाबेटेलोल और दूसरा है कार्बेडिलोल स्पेलिंग ऐसी होगी लाबेटेलोल एल ए बी ई टी ए एल ओ एल और कार्वे डी लोल कार्वे सी ए आर वी ई डी आई एल ओ एल कार्वे डी लोल तो ये हो गया हमारा पहला क्लास नॉन सेलेक्टिव यानी कि बीटा वन प्लस बीटा टू का अब दूसरा जो हमारा मेन क्लास है बीटा एड्रेजिक ब्लॉकिंग ड्रग का वह कार्डियो सेलेक्टिव या बीटा वन दिस इज स्पेसिफिकली एक्ट्स ऑन बीटा वन रिसेप्टर और इसके एग्जांपल हैं मेटोप्रोलोल मेटो एम ई -E टी ओ प्रो पी आर ओ और लास्ट में एल एल बन जाएगा आपका मेटो प्रो लोल दूसरा एग्जांपल है एटेनोलोल एटेनो ए टी ई एन ओ एटेनो और लास्ट में एल एल बन जाएगा एटेनोलोल तीसरा एग्जांपल है एसे ब्यूटो लोल एसे ए सी ई एसे ब्यूटो बी यू टी ओ ब्यूटो और लास्ट में एल एल बन जाएगा एसे ब्यूटो लोल अगला एग्जांपल है आपका बीसो प्रोलोल बीसो बी आई एसओ प्रो पी आर ओ और लोल एलोल बीसो प्रो लोल नेक्स्ट एग्जांपल है एसमोलोल ई एस एमओ एसमो लोल एलोल e एसमोलोल लो एसमो e t बी टी o बेटो लोल l-o-l बन जाएगा बेटो लोल नेक्स्ट है आपका सेली प्रोलोल -E i सेली प्रोलोल पी आर ओ एल ओ एल एंड लास्ट वन इज नेवी बी वो लोल एन ई बी आई नेवी वो वी ओ और एल ओ एल बन गया आपका नेवी वो लोल तो ये था हमारा बीटा एड्रेजिक ब्लॉकिंग ड्रग का क्लासिफिकेशन एक बार शॉर्ट में और रिवाइज कर देते हैं बीटा एड्रेजिक ब्लॉकिंग ड्रग के दो मुख्य क्लासिफिकेशन है पहला है नॉन सेलेक्टिव यानी कि ये कोई स्पेसिफिक सेलेक्ट नहीं करेगा बीटा वन को भी अफेक्ट कर सकता है और बीटा टू को भी अफेक्ट कर सकता है दूसरा क्लास होता है मेन वाला क्लास आपका वो होता है

एसमोलोल बेटक्सोलोल और सेलिप्रोलोल और नेबीवोलोल। तो ये था हमारा आज का क्लासिफिकेशन थैंक यू टेक केयर